सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। जैसे रामायण में सबसे फेमस एनिमल था एक हिरन, वैसे महाभारत में सबसे फेमस एनिमल कौन था? टेक योर टाइम। एक सरक का कुत्ता। जी हाँ, जो युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग की तरफ जा रहा था। इसका मतलब है सदियों से इंसान और कुत्तों का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, एंड दे श्योरली डिजर्व आवर लव एंड केयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट डू यू गाइस डू? No, nothing is wrong with your browser, man. Come on, what do you guys do? Anyway, जितने भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, I love you. लेकिन अगर आप इस पागलपंती में नए हो, then welcome to the family, friend. Just bash the subscribe button in the face, because right here in this channel, we are making the craziest empire in the whole world. Now, I'm extremely sorry कि पिछले हफ्ते कोई भी वीडियो नहीं आया। अभी देखो, मसला ऐसा है कि मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर तो हूँ नहीं, और रोटी कपड़ा और रहने के जगह के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ता है, और कभी कभी इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ। और यार लास्ट वीक इतना हेक्टिक गया यार, क्या बताऊं, मतलब शेव करने का टाइम नहीं मिला मुझे। Anyway, these things are part of our lives and I know you guys can understand. अभी आज का वीडियो obviously शुरू करेंगे, पर उसके पहले एक चीज है। देखो, आजकल ऑलमोस्ट सारे लोग इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में जब भी हम किसी नए इंसान के प्रोफाइल में जाते हैं, देख लेना 10 में से 7 के बारे में लिखा रहता है एनिमल लवर, और उन 7 में से 5 के बारे में लिखा रहता है कि डॉग लवर। अभी उन 5 में से 4 के प्रोफाइल में तुम जब घुसोगे तो देखोगे कि किसी भी कुत्ते के साथ कोई भी फोटो नहीं। आई मीन कम ऑन यार, प्यार दिखता थोड़ी ना। अभी वो जो एक इंसान बाकी रहता है उसने डॉगी के साथ फोटो डाल रखा है, बट वो डॉगी उसका खुद का डॉगी है, उसका घर का डॉगी, उसका पेट। लेकिन जो आम कुत्ते हैं, आई मीन रास्ते के कुत्ते, उनका क्या? देखो, तुम अगर सरकार चला रहे हो, तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी है कि अमीर लोगों को भी देखना और गरीब लोगों को भी देखना। वैसे ही अगर तुम डॉग लवर हो तो तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी है कि खुद के डॉग को भी देखना और रास्ते के डॉग्स का भी एटलीस्ट कभी कभार ख्याल रखना। अपने फोन को कस के पकड़ लो और वॉल्यूम को काफी ज्यादा बढ़ा लो, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन अमंग द डॉग लवर्स। देखो, अगर मुंबई के अर्बन और सब अर्बन इन दोनों एरिया को एक साथ मिला दे तो बेसिकली नॉर्थ मुंबई इज बोरीवली, वेस्ट मुंबई इज बैंड्रा, साउथ मुंबई इज चर्चगेट, एंड ईस्ट मुंबई इज गोवंडी। आज का मेरा मिशन है कि मैं पूरे मुंबई के एक राउंड लगाऊंगा, और इन चारों जगह पे उतरते ही सबसे पहले मेरे को जो कुत्ता दिखेगा मैं उसको एक आइसक्रीम खरीद के खिलाऊंगा। आइसक्रीम क्यों? बिकॉज कम ऑन, इट्स डिसंबर, द मंथ ऑफ सेलिब्रेशन। मैंने सोचा था कि मेरे फ्लैट के नीचे चाचा का जो ग्रोसरी स्टोर है मैं वहीं से आइसक्रीम लूंगा, लेकिन मैंने जब उनको अपने मिशन के बारे में बताया तो उन्होंने खुद मुझे बोला कि बेटा मुंबई का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर निकालो तो 10 मिनट में वो लस्सी बन जाती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ बोरीवली स्टेशन। अभी देखो, गेम का रूल ऐसा है कि स्टेशन में उतरते ही मेरे को पहला जो आइसक्रीम का दुकान दिखेगा मैं उससे एक आइसक्रीम लूंगा, और मेरे को पहला जो कुत्ता दिखेगा मैं उसको वो खिलाऊंगा। भैया आइसक्रीम का दुकान किधर है? इधर आइसक्रीम है ना बाजू में। थैंक यू। तो अभी अपने को मिल गया आइसक्रीम, अभी ढूंढना है कि कुत्ता किधर है। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, कम ऑन ब्रो, आई हैव आइसक्रीम फॉर यू। आई गॉट इट। पसंद नहीं आ रहा, लग रहा है स्ट्रॉबेरी है यार, शायद टेस्ट पसंद नहीं आया इसको। नो नो, मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं। कौन से एनडी, कौन से टीवी से? यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल? हाँ ओके। यही था ना ये? Hey, what happened? No. कोई कुछ खिलाता नहीं क्या इन लोगों को? वो देखो, nope. अरे पानी नहीं भाई, आइसक्रीम खाना है। nope. वैसे तो मैंने काफी कुत्तों को देखा आइसक्रीम खाते हुए, पर इन लोगों का कहना है कि ये लोग ठंड चीजें नहीं खाते। जब भी इनके जबान पे लग रहा है कि ये ठंड है तो Denied. Nope. किसी को नहीं खाना, ये खाएगा। आ, 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 आ. Bro, I'm tired. पर एक नई चीज सीखने को मिला कि इन लोगों को ठंड चीजें पसंद नहीं। Now I'm going to the west to Bandra. So obviously next बार मैं कुछ अलग ट्राई करने वाला हूँ। Maybe pav, because it's Mumbai. Yeah.
सो नाउ इट इज द वेस्ट बैंड्रा स्टेशन। मैंने तुम लोगों को बोला था कि नेक्स्ट टाइम मैं आइसक्रीम जैसा कुछ ठंडा ट्राई नहीं करूंगा एंड मे बी पाव ट्राई करूंगा, लेकिन वेट वन सेकंड, दिस इज दिसंबर द मंथ ऑफ सेलिब्रेशन और आई मीन पाव से कोई सेलिब्रेट तो ही ना करता है। व्हाट आई एम जस्ट थिंकिंग, इस बार मैं दही ट्राई करता हूं। दही है? दही कहां पे मिलेगा यार? देखो यार, मैं तो ढूंढ रहा था वो मदर डेयरी वाला प्लास्टिक का दही, लेकिन कम से कम 5 दुकान पे पूछ लिया, किसी के पास नहीं। तो अभी लगता है वो थैली वाला जो दही आता है वही लेना पड़ेगा। दही मेरे को मिल गई है, थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ। अच्छा यार, और थोड़ा दही इज फॉर मी, दही इज द बेस्ट मिल्क प्रोडक्ट यार। आह सो रिफ्रेशिंग। अभी फिर से अपने को ढूंढना है कुत्ता। Believe me or not, almost 15 मिनट हो गया मैं कुत्ता ढूंढ रहा हूँ, बट अभी तक मेरे को एक भी नहीं मिला। कैसा जगह है यार ये? They are not dogs, obviously. Nope. Shit, bro. खाया ही नहीं इसने। बस दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो मुंबई के कुत्तों को बहुत ज्यादा ही खाना मिलता है या फिर इनमें कुछ प्रॉब्लम है। तुम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैं कुत्तों को घास खिलाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये आइसक्रीम दही ये सारे कुत्ते खाते हैं यार। What's wrong with this dog? सच में यार, ये बोरीवली के कुत्ते कुछ भी हो लेकिन दिखते तो थे, यहाँ पे कोई कुत्ता दिख ही नहीं रहा है। आधा घंटा हो गया इस एरिया में राउंड मार रहा हूँ और आधे घंटे में मेरे को बस एक कुत्ता दिखा और वो भी एबनॉर्मल वाला। बच्चों जनरल नॉलेज अपने कॉपी में लिख लो, बांद्रा के गलियों में कुत्ते नहीं पाए जाते। सो मैंने इसको रख दिया इधर। यार मेरे को तो अच्छा लगा था, शायद कौवे लोगों को अच्छा लग जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो यार दिस इज डिसाइडेड, मैं सिर्फ पाव लूंगा और कुछ नहीं, क्योंकि खाने की चीजें वेस्ट हो रही है एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। So Churchgate means it's the extreme south और इस बार मैं पाव के बिना और कुछ लूंगा ही नहीं, no doubt about it। पाव तो मिल गई है, अभी ढूंढना एक कुत्ता। यार रेलवे एरिया में कुत्ता ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? I have no idea। Come on, dog। चलो चलो चलो, एक तो मिला। Denied। हाँ? यार कैमरा लेके तो दूर चला जाता हूँ, शायद इससे डर रहे हैं। अभी भी नहीं। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये लोग कैमरे से डर रहे हैं या फिर इनको खाना है ही नहीं? अभी तो मैं कैमरा लेके इधर भी आ गया हूँ फिर भी उधर नहीं खा रहे हैं। देखो अगर इन लोगों का पेट ऑलरेडी भरा हुआ है देन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है फिर भी नहीं खा रहे हैं देन लाइफ में कभी देखे हो ऐसा? कुत्ते के सामने रोटी पड़ी हुई है पर उसको वो खानी नहीं है। आइसक्रीम नहीं खाना, दही नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, तो क्या खाएगा भाई? वेल गाइस, एक्चुअली इन द ईस्ट मुंबई मैं जाने वाला था गोवंडी में। एक्चुअली मैं गोवंडी इसके पहले कभी भी नहीं गया हूँ, सो दैट वुड बी अ न्यू प्लेस फॉर मी। बट उसके बाद मुझे लगा कि मैं जहाँ पे रहता हूँ थाने, दैट इज प्रैक्टिकली नॉर्थ ईस्ट बट दैट इज ईस्ट, और मेरे सोसाइटी के कुत्ते मेरा केयर डिजर्व करते हैं मोर देन एनीबॉडी एल्स। और गाइस सच बात ये भी है कि सुबह से बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ एंड माई लेग्स एंड माई लोअर बैक आर हर्टिंग। ऊपर से कुत्तों को मैं खाना दे रहा हूँ, पता नहीं इनको खाना क्यों नहीं। व्हाट द फक? शांत, पीस। So guys, let's go home. और सबसे बड़ी बात है, I trust my own dogs. क्योंकि मैं जो दूंगा वो खाएंगे। सुबह मैं जब घर से निकला था ना तब मैं सेलिब्रेशन के मूड में था, उसलिए पहले मैंने आइसक्रीम खरीदा, उसके बाद मैं उतरा दही पे, उसके बाद मैं उतरा पाव पे। और माँ कसम मैं पहली बार ऐसे दो कुत्ते देख रहा हूँ जिनके सामने पाव पड़ा है लेकिन उनको वो खानी नहीं है। कहाँ से आते हैं? ठीक है, मेरे सोसाइटी का जो कुत्ते हैं मैं उनको देने वाला हूँ गुड्डे बिस्किट। दिस बिस्किट्स आर टेस्टी, एवरीबॉडी नो इट। और अगर इन्होंने ये भी नहीं खाया ना, बहुत बड़ा चांस है कि आज मेरे हाथ से कोई खून हो जाएगा। बिकॉज़ आई एम नॉट जस्ट फ्रस्ट्रेटेड बट आई एम एंग्री। यहीं पे बैठे हैं। I told you my society dogs are better. नहीं नहीं और नहीं और नहीं। बाबा बाबा बाबा। Now guys I know this video was a failure क्योंकि तीन जगह के कुत्तों ने तो कुछ खाया ही नहीं। But मेरे को जो message देना था I think that is very clear। देखो हम सब के घर में रोज दिन काफी सारा खाना leftover रह जाता है, तो उसको directly लेके कूड़े में ना डाल के रात
इनको अपने बिल्डिंग से थोड़ा नीचे उतरो और इनको दे दो, क्योंकि ये जो रास्ते के कुत्ते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, सो इतना सा केयर तो बनता है। ऑलराइट गाइस, दैट वाज द व्लॉग। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन मेक श्योर कि तुम्हारा जो लेफ्ट ओवर खाना है वो डायरेक्टली कूड़े में ना जाए, वो इनके पास। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड शेयर फॉर मोर अवेयरनेस एंड सब्सक्राइब, वी आर ग्रोइंग बेबी, yeah! Always be crazy but always be helpful. With that said, I'll see you on next week. Until then, peace and enjoy.